So hey guys, welcome back to my new another video. I am Ragini and you're watching Destiny Lifestyle. और इस डायलॉग को मैंने काफ़ी लंबी टाइम के बाद बोला है. सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्किन केयर वीडियो. और बहुत टाइम बाद मैं इस तरह के ब्यूटी वाले वीडियो बना रही हूँ. तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मैं भी अपनी स्किन पर अप्लाई करने वाली हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ और इसके बेनिफिट्स और रिजल्ट आपको बताऊँ. सो इसको पूरा देखने के लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. और वीडियो करते हैं अब स्टार्ट. एंड जस्ट अभी मैंने अपने फेस पर किया है फेस वॉश, जो कि मैंने इसका एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया है. उसको देखने के लिए आपको मेरे शॉर्ट्स पर जाना होगा. मैंने उसे अपलोड कर लिया है. एंड अभी मैं अपने फेस के ऊपर करने वाली हूँ मास्क अप्लाई. एंड देन अभी इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर उसे अप्लाई करने के बाद हमारे स्किन पर कितनी ग्लो आती है और वो हमारे स्किन को कितना बेनिफिट देने वाला है. सो इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगी. सो गाइस, मास्क बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मोरिंगा पाउडर लिया है, जो कि मैंने घर पर ही रेडी किया है. एंड आप इसे मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है. एंड इसके बाद मैं इस पर ऐड करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून हनी. एंड इसे भी मैं अच्छे तरीके से इस पर मेल्ट कर लूँगी ताकि ये पूरे मास्क फॉर्म पर रेडी हो जाए. और इसे लगाने का बेनिफिट ये और भी है कि ये पिंपल्स को भी ठीक करने का काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन और भी क्लीन हो सकती है. ये बैक्टीरिया जो स्किन पर रहते हैं उसे भी ये ख़त्म करता है. सो आपकी स्किन इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है. और मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड किया थोड़ा सा. एंड साथ में मैंने होहोबा ऑयल की 6 ड्रॉप्स भी ली है. और इन तीनों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो मास्क फॉर्म पर रेडी हो जाए. और इसके बाद मैं अपने फेस पर इसे अप्लाई करूँगी. एंड इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको आगे की वीडियो पर दिखाऊँगी. सो इस पर मैंने थोड़ा और रोज़ वाटर ऐड किया है और ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गया है. अब बस इसके बाद इसे हमें अपने फेस पर लगाने की बारी है और फिर हमारी स्किन कितनी अच्छी हेल्थ भी होने वाली है. जैसे कि मैंने आपको वीडियो पर दिखाई दिया कि मैंने इसे कैसे प्रिपेयर किया. सो ये बनकर अब रेडी भी हो चुका है और इसका मैं अप्लाई कर देती हूँ अपने क्लीन फेस पे. सो ये रहा ब्रश और इस पर डालते हैं इसे एंड देन इसे अप्लाई करते हैं. इसे खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है. मैंने ऐसे नेचुरल तरीके से इसे बनाया है बट काफ़ी अच्छी आ रही है. और इसमें फटाफट से अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा कूल कूल लग रहा है, मुझे ठंडा लग रहा है. मेरी फेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है, फिर भी मैं इसे आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ ताकि फटाफट से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ. और इसे मैं रखने वाली हूँ ओनली 6-7-8 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि मैं इसे ज़्यादा ड्राई होने नहीं दूँगी. क्योंकि मैंने इस पर हनी डाला है ना तो ये इसका मॉइस्चर अच्छा बना रहेगा. और आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिए, इससे आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं होगा क्योंकि पूरा ही नेचुरली है. अगर आपके पास अगर मोरिंगा पाउडर नहीं, अगर आपके घर पर मोरिंगा का पेड़ या ट्री है जो भी है तो आप वहाँ से भी लेकर इसे बना सकते हैं. बट मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे ड्राई फॉर्म पे यूज़ किया है. और ये मार्केट पर भी मोरिंगा लीव्स का पाउडर अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों भी परचेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है और थोड़ा बहुत यहाँ बच गया है तो मैं इस पर भी लगा लेती हूँ. और ये मैंने अप्लाई कर लिया है और ये ग्रीन ग्रीन मास्क. इसका बेनिफिट ये है, हाँ मैं आपको इसका बेनिफिट बता देती हूँ कि इसका बेनिफिट ये है कि हमारे स्किन को जो भी हमारे स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं या फिर सन टैनिंग है जो समर में हमें काफ़ी ज़्यादा हो गई है और रिंकल्स भी अगर आपको आ रहे हैं और आपके स्किन पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसे ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करेगा और आपके स्किन को टाइट करेगा एंड ग्लो भी देगा. तो आपको एक बार में ये नहीं मिलेगा रिज़ल्ट, आपको इसको वीक में 2 टाइम्स ही अप्लाई करना है. और
देखो मैंने अब इसे ऑलमोस्ट अपने फेस पर पूरी तरीके से लगा लिया है और इसे मैं इसी तरीके से छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। मैंने नेक पर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अभी मैं आपको डायरेक्ट अपने फेस पर ही दिखा रही हूँ और इसे मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए, तो अब फिर इसको ड्राई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं फेस वॉश करने के बाद। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इस तरीके से नेचुरल रेमेडीज़ को अप्लाई करके बताऊं और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाने की कोशिश करूं। एंड इसके साथ आपको ज़्यादा, अगर आप इस नेचुरल रेमेडीज़ से अच्छी चीज़ें ले सकते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी ब्यूटी के लिए। एंड ये अभी नॉर्मल ड्राई हो चुका है, देन अभी तो मैंने इस मोरिंगा लीव्स के ऊपर अपने फेस के ऊपर के लिए ही एक रेमेडी बताई है, देन मैं इसके लिए एक हेयर के लिए भी आपके साथ हेयर के रेमेडीज़ भी इस पर शेयर करने वाली हूँ, वो भी कुछ दिन बाद। देन अभी इसको मैं जल्दी से ड्राई हो चुका है देखो, एंड इसको मैं अब कर देती हूँ वॉश। एंड अब देखते हैं वॉश करने के बाद कि मेरी स्किन पर क्या इससे बेनिफिट्स या फिर फ़ायदा हुआ है। वॉश कर लिया है और देखिए काफ़ी ज़्यादा मेरी स्किन टाइट भी लग रही है और मुझे अच्छा लग रहा है छूने पर, एंड काफ़ी अच्छा मुझे लगा इसे लगाकर, काफ़ी कूलिंग इफेक्ट मिला और फ्रेश लग रहा है मुझे। तो दोस्तों अब देख ही रहे हैं इसका रिज़ल्ट, तो इससे मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। एंड आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइए कि आपको इससे क्या बेनिफिट्स हुआ। एंड अभी मैं कर लेती हूँ इससे तो आप और अच्छा लग रहा है कि देखिए आप स्किन की टेक्सचर, ज़रूर आप इसे ट्राई करिए वो भी बिना डरे, क्योंकि मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है तो आपको इसीलिए मैंने इसे अप्लाई करके दिखाया ताकि आप भी इसे ट्राई करिए। एंड मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरीके से मैं और भी रेमेडीज़ या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की वीडियो लाती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।